विदेश में कुछ घोषणाएं हो, कुछ और चर्चा हो। आज मैं आपको बीच आया हूँ, बड़ी देर से आप सुन रहे हैं पैसा है पैसा है पैसा है। अभी पैसा पैसा क्या है ये तो पता चलना चाहिए। कौन कौन को पता पैसा क्या है? कोई यहाँ पर पता है पैसा क्या है? इधर मन वालों को कौन कौन को पता पैसा क्या है? तो आज मैं आपको समझाने आया हूं पैसा क्या है। मेरे प्रिय बहनों भाइयों और विशेषकर आदिवासी बहनों, एक बात मुझे बताओ, पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं, ये पैसा किसी के खिलाफ नहीं है, न सामान्य वर्ग के खिलाफ है, न पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ है। ये पैसा लाभार्थी आदिवासी इलाकों में पैसा लागू होगा, ये शहरों में नहीं केवल ग्राम पंचायतों में लागू होगा। और ग्राम पंचायतों में जो गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं वो भी ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे। तो ये किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन ये आदिवासी बहनों और भाइयों को अधिकार संपन्न बनाना है, ताकतवर बनाना है। जहां यह पैसा ग्राम सभा बनेगी उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेनी है, किसी बांध के लिए जमीन लेनी है, तो मेरे प्रिय आदिवासी बहनों और भाइयों, ये जमीन बिना ग्राम सभा की, ग्राम सभा मतलब गांव में जितनी जनता रहती है वही ग्राम सभा, उनकी अनुमति के बिना नहीं ली जा सकती, कोई जमीन नहीं ले सकता। जब ग्राम सभा कहेगी हाँ ठीक है लेना चलिए, तो लेंगे नहीं तो जमीन नहीं ली जा सकती। अब ये नहीं होगा कि कलेक्टर साहब के मन में आया उन्होंने इंक्वायर कर लो, ऐसे कोई इंक्वायर नहीं कर सकते। ये कलेक्टर भी समझ गए, कमिश्नर भी समझ कर आए, दिन की जमीन है वो फैसला करेंगे कि हमको बांध के लिए या सड़क के लिए भी जमीन देनी है कि नहीं देनी है। और लेकिन धीरे धीरे आदिवासियों की जमीन चली जा रही है, खाली हाथ हो जाए, ये अब नहीं होगा, ये आपकी अनुमति से ही होगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? तो जोर से बोलो सही है। अब उसके बाद कोई भी आपकी जमीन कपट पूर्वक बहला के फुसला के और एक षड्यंत्र चल रहा है प्रदेश में, उसके खिलाफ आपको आगाह करना चाहता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं और कहीं ऐसे सक्रिय जो हमारी बेटी से शादी कर देते हैं और हमारे धर्म बदलने की कोशिश करते हैं, धर्म बदलने की कोशिश भी करते हैं। एक बात सुनने साफ करा है शिवराज सिंह चौहान, कपट और छल से धर्मांतरण मध्य प्रदेश की धरती पर मैं नहीं होने दूंगा किसी भी मतलब। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।